हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ब्रेड तो लगभग सबके घर में ही होती है, किसी ना किसी तरीके से हम उसे खाते ही हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड से ही बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी और बहुत हेल्दी सी रेसिपी, जो कि है वेज पनीर टोस्ट। खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत फटाफट से सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाती है। और जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो, इनमें आप उन्हें यूज कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो ये वेज पनीर टोस्ट बनाने के लिए देखिए, मैंने ले लिया है कुछ सब्जियां जो मेरे पास थी। वही ये पत्ता गोभी है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। शिमला मिर्ची, इसको भी इस तरीके से बारीक। साथ में टमाटर, थोड़ा सा मेरे पास पनीर रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसको भी यूज़ कर लिया जाए। इसके साथ ही ये ले लिया है मैंने टमाटो सॉस, ब्रेड और इसके साथ ही मोज़रेला चीज़। आज मेरी चेडा चीज़ फिनिश हो चुकी है, तो इसलिए आज ये वाली चीज़ का नंबर है, तो इसे यूज़ कर लेंगे। कोई बात नहीं, टेस्ट तो सेम है, बस ये है कि उसको डालने में थोड़ा सा आसानी होती है और इसको कद्दूकस करके डाला जाता है ना, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आलस करती हूँ, बस वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। टेस्ट बिल्कुल सेम होता है दोनों का। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सब्जियाँ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो पसंद हो उसे रखें और जो ना पसंद हो उसे स्किप करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इधर मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें डाल दिया है मैंने ऑयल। ऑयल में जाएंगी हमारी ये सब्जियाँ। इसको हमें हल्का सा ना फ्राई कर लेना है, लेकिन इनका क्रंच जाना नहीं चाहिए, इनमें क्रंच ऐसे ही बना रहना चाहिए, बस हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए, मतलब इनका जो कच्चापन है ना वो चला जाए। और इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, ताकि मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से इनमें आ जाए। टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। हल्के से ये भुन चुके, तो अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, ताकि ये जो सब्जियां हैं ना ये फीकी ना लगे बिल्कुल भी। उसके साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती है। इसके साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये मैं डालूंगी थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, इससे तो बस इसका फ्लेवर इतना इन्हेंस हो जाता है ना, आप कभी ट्राई कीजिएगा। यहाँ तक कि आप ना पोटैटो सैंडविच बनाते हैं, जो आलू जो स्टफ करके बनते हैं ना, आप उसमें भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कोई भी चीज़ है ना उसका, उसमें अगर आप पाव भाजी मसाला डालें, इस तरीके के जो सैंडविच वगैरह की रेसिपी होती हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये हो चुका है लगभग हमारा डन। और इसमें लास्ट में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, और इसके साथ ही इसमें जाएगा ये जो पनीर है ना, इसको हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इस टाइम पर ही इसमें जाएगी 1 चम्मच के करीब ये टमाटो केचप। मैं बहुत तरीके की रेसिपी सैंडविच की आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है ना तो मैं उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आगे भी मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग तरीके के सैंडविच ट्राई करना, और बहुत फटाफट से बन भी जाते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। तो बस ये हो चुकी है हमारी डन, करते हैं गैस बंद। इधर ये मैंने ले लिया है चॉपिंग बोर्ड, इस पे रख लेंगे हम अपनी ब्रेड, इस पे लगा देंगे ये टमाटो केचप, इस
इसके साथ ही ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ना, इसके ऊपर जाएगा ये, अच्छे से इसे फैला लेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ तो शेयर करना बनता है। तो देखिए ये मैंने फैला ली है अच्छे से, और अब इसके ऊपर जाएगी ये चीज़। यार मुझे बस यही झंझट लगता है कि इसको कद्दूकस करना पड़ता है, मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, और इस टाइम पे ना बहुत गर्मी है, तो ये बहुत जल्दी से, मतलब जरा सा इसे फ्रिजर से बाहर निकालो और ये बहुत जल्दी से ना मेल्ट होने लगती है। तो बस ये मैंने फैला ली है। इस तरीके से ही हम तैयार कर लेंगे, और भी ये हो चुका है एकदम तैयार। इस पे डालेंगे हल्के से बस हम चिली फ्लेक्स, ये मैंने डाल दिए हैं। इस तरीके से ही दूसरा भी कर लेते हैं डन। सबसे पहले ये जो है ना, इसको ही हम सेकते हैं। इधर मैंने ले लिया है तवा, इस पर मैंने डाल दिया है हल्का सा घी, और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, हम नॉन स्टिक तवे का यूज़ कर रहे हैं, लोहे के तवे का यूज़ ना करें, क्योंकि उससे ना ये हमारे जल जाते हैं, स्टिक नहीं पाते, चीज़ मेल्ट नहीं हो पाती है बहुत जल्दी से। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमने बनाया, ट्राई किया तो हमारा जल गया, तो आप ना नॉन स्टिक तवे का ही यूज़ कीजिएगा, उस पर ही ये परफेक्ट बनते हैं। तो बस ये मैंने रख दिया है तवे पर, इसके साथ इसे कर देंगे हम कवर, फ्लेम कर देंगे एकदम स्लो, और इसके चीज़ के और अच्छे से मेल्ट होने का वेट करेंगे, और ब्रेड के एकदम क्रंची होने का। तो चलिए इसे छोड़ते हैं, 2-3 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि चीज़ वैसे भी बहुत जल्दी से मेल्ट हो रही है गर्मी की वजह से। देखिए चीज़ हो चुकी है हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। बहुत गर्म है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कितना परफेक्ट ये हमारा बनकर तैयार है। इस तरीके से ही दूसरा भी हम सेक लेंगे। तवे पर चला गया है घी, और उसके बाद ये हमारा टोस्ट, उसके बाद कवर कर देना है और फिर से 2-3 मिनट के लिए। इधर देखिए ये भी हो चुका है हमारा डन, तो बस इसे भी निकाल लेते हैं, कर देते हैं गैस बंद, और चलिए चलते हैं अब इन्हें सर्व करने की प्रोसेस में। तो इधर देखिए हमारे सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी हमारे ये वेज पनीर टोस्ट बनकर तैयार है, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना बढ़िया आया है, और यकीन मानिए खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी, बड़े ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार होते हैं। और मैं आपको ना एक बार इसे बैक साइड से भी दिखाती हूँ, थोड़ा सा आराम से, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं जला है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा जल जाता है, तो मैं उनको बोलूँगी कि प्लीज़ बोला नॉन स्टिक तवे पर ही ट्राई करें। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ऐसे, मतलब मेरा, मैं शायद ऐसे ही बोलती हूँ कि भाई मेरा अच्छा बनता है, उन लोगों का अच्छा नहीं बनता है। तो भाई जैसे भी दिखाती हूँ आपके सामने ही है, कुछ छिपाकर तो नहीं है, और आपको मैंने ये बैक साइड से भी दिखा दिया है कि ये बिल्कुल भी नहीं जला है। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, और नॉन स्टिक तवे पर ही ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी ये बनकर तैयार होगा। तो चलिए वीडियो, और अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, ऐसी एक मज़ेदार सी मसालेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।